दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे इसे हेल्थ फोशेट गन को रिपेयर करना। जब इसके नीचे पाइप इंक्लूड रहता है तो इसको हेल्थ फोशेट बोलते हैं या इसको जेट स्प्रे कहते हैं। ये एक जैगवायर कंपनी का हेल्थ फोशेट है जिसकी वारंटी 10 साल की आती है और ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इनमें जैसे लीकेज हो जाती है तो हम इसको रिपेयर कर लेते हैं। इसकी कॉस्ट लगभग 1200 रुपये है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको दबा के दिखा रहा हूँ तो ये बहुत लूज है अभी, इसीलिए इसमें पानी की लीकेज ऊपर से हो रही है। यहाँ मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूँ जो प्रॉपर तरीके से टाइट है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे कि इसको रिपेयर कैसे किया जाता है जब इसमें से लीकेज होने लगे। इसके लिए हमें एक टेफ्लॉन टैप की ज़रूरत पड़ेगी और ग्रीस की ज़रूरत पड़ेगी, हल्का सा ग्रीस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने टेफ्लॉन टैप और ग्रीस का डब्बा अलग हटा दिया है और इसे खोल करके इसको रिपेयर करना सिखाता हूँ कि इसको रिपेयर कैसे करेंगे। नीचे से जो आप थ्रेड टाइप से देख रहे हैं इसको आराम से हमें खोलना है। ये नोजल मैंने खोल के अलग कर लिया है और इसमें आप देख रहे हैं जो रबड़ ब्लैक कलर की, इस रबड़ को भी हमें बाहर निकाल लेना है। रबड़ को हमने जैसे ही बाहर निकाला, इसमें हमें एक वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को भी हमें बाहर निकालना है। और ये जो पार्ट है ये स्प्रे के लिए पार्ट होता है, अगर आप इसको डालना भूल गए इसको लॉक करते टाइम में तो ये स्प्रे नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो सारे पार्ट्स को हमें संभाल के रखते जाना है। इस वाइट कलर के पार्ट को हमें ब्लैक कलर के ऊपर रखना है। मैंने वाइट पार्ट्स को इसके ऊपर लगा दिया है जिससे हमारा नोजल टाइट करने के बाद जो हैंडल है ये प्रॉपर तरीके से बाहर निकल जाए। मैं इसे अच्छे से टाइट कर रहा हूँ और जब भी आप रिपेयर करेंगे इसको फुली टाइट करना है। अगर ये उंगलियों से टाइट नहीं होता है तो इसको हथेली के सहारे अच्छे से टाइट कर लेना है। जब तक ये प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होगा तब तक हमारा हैंडल बाहर नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है और जो ऊपर वाला हैंडल है ये अब हैंडल को मैं दबा करके बाहर निकाल लूँगा। ये मेरा हैंडल बाहर निकल आया है और जब भी मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको अगेन ओपन करेंगे बहुत ही सावधानी बरतनी है आपको इसको दोबारा से खोलने में। इसको कभी भी आपको चेहरे की तरफ नहीं करना है क्योंकि इसमें एक हार्ड स्प्रिंग होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है, क्योंकि जो ऊपर हैंडल था, हैंडल तो हमारा निकल गया, हैंडल से वो रुका हुआ था। तो इसको बहुत सावधानी से खोलना है आपको, हमेशा नीचे की तरफ करके, कभी गलती से भी आप इसको ऊपर अपने चेहरे की तरफ करके न खोलें। दोस्तों कोशिश करना कि आप हमेशा जो भी प्रैक्टिकल करें अपने सीनियर के साथ ही करें, कभी वीडियो देखकर अकेले प्रैक्टिकल करने की कोशिश ना करें प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। काफ़ी सावधानी बरतनी है इसको रिपेयर करने में। यहाँ हमने देखा कि इसे ओपन करने के बाद सारे पार्ट्स हैं वो बाहर आ गए हैं और एक जो नुकीला पार्ट्स है इसके ऊपर अभी स्केल जमा हुआ है। इसको हम रेग माल से साफ़ करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, और रेग माल से घिसना नहीं है, सिर्फ साफ़ करना है हमें। इस गन के अंदर जो बार्सर लगा हुआ है इस बार्सर को भी हम चेक करेंगे कि कहीं ये कट तो नहीं गया है। अगर कटा हुआ है तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं कटा है तो इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस लगा के इसको अगेन हम इस गन के अंदर सेट कर देंगे। अब हम अपने इस नुकीले पार्ट्स को रेग माल से साफ करेंगे और ध्यान देना है कि रेग माल से आपको घंटों के हिसाब से इसे घिसते नहीं रहना है जिससे ये पतला हो जाए और लीकेज और ज़्यादा हो जाए। तो इसको सिर्फ स्केल को साफ करना है। मैंने स्केल को साफ कर लिया है और इसके ऊपर मैं हल्का सा ग्रीस लगाऊंगा। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अच्छे से ग्रीस लगा दिया है और ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं इस स्प्रिंग को भी हल्का सा हमें खींच करके टाइट करना है। अब जो हमने सबसे पहले टेस्टर से इसके अंदर से रबर निकाली थी उस रबर को फिट कर रहे हैं और अभी आप देखिए ये रबर को सेट कर लिया है और फिर से हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है जो स्टार्टिंग में हमने हैंडल निकालने के लिए प्रोसेस किया था। तो फाइनली दोस्तों यहाँ हमारी गन रिपेयर हो गई है अच्छे तरीके से, और ऐसे ही आप भी रिपेयर कर सकते हैं इसको किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप ज्वाइन करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऐसे जुड़े रहें, जल्दी ही मुलाकात होगी फिर से एक नई वीडियो के साथ।